भागलपुर में दर्जनों ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ हमेशा बदतमीजी करती है, डंडे से ई रिक्शा पर मारा जाता है, इस विरोध में आज हड़ताल पर हैं। जिला प्रशासन से मिलकर इस पर बात करेंगे, क्यों हम ई रिक्शा चालकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। हड़ताल के दौरान सड़क पर अगर ई रिक्शा दिख रही थी तो प्रदर्शनकारी चालक ई रिक्शा चालक के साथ धक्का मुक्की कर और ई रिक्शा के टायर का हवा निकाल कर साइड करवा देते थे। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं को और लोगों को पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ा। सभी ड्राइवर हम लोग परेशान हो चुके हैं अवैध वसूली से, मारपीट से, गाली गलौज से। ये पार्किंग वाले और पुलिस वाले हम लोग को जीना हराम कर दिया। काम हो गया भैया, कमाना मुश्किल हो गया। कल भी हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं, मीटिंग किए हैं, कभी लाइसेंस के नाम पर, कभी इंश्योरेंस के नाम पर, कभी इसी के नाम पर मारा जाता है रोज। हम लोग ये प्रधान कार्यालय हमारा यूनियन का, हम लोग मिलते जुलते सब यही हैं, हर कार्यक्रम यहाँ से करते हैं। रास्ता चलते हम लोग को मारा जाता, बताइए क्यों? हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष को मारा गया, हमारे ड्राइवर को मारा गया। लहू लुहान पुलिस वाले नहीं करते, इंजरी रिपोर्ट बनती है, जानते हैं वो लोग। आप मार दिया, ये दुर्व्यवहार नहीं हुआ? लाठी से मारता है, दुर्व्यवहार नहीं हुआ? ये किस तरह का मानवता जी रहे हैं आप? हम आज हमारे सभी ड्राइवर सभी ड्राइवर परेशान हैं। हम लोग आज ये निर्णय ले ही लेंगे कि करना क्या है, या गाड़ी चलाना बंद कर देंगे तो हमारी रोजी रोजी की संभाल हो जाएगी, सरकार देगी खाने, जिला प्रशासन देगी, क्या करेंगे? कमाने के लिए अगर मार खा जाए तो ये संभव नहीं है।